जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिष विद्या के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके साथ होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के पीछे आपकी राशि और उनसे ग्रह नक्षत्रों का साथ होता है, जबकि इनके ऊपर कुछ असर भगवान के आशीर्वाद का भी होता है। आपके कर्मों और इन ग्रहों की बदलती स्थिति के अनुसार भगवान आपके भाग्य को निश्चित करते हैं। ऐसे में कुछ खास राशि के लोगों के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा पड़ चुकी है। ऐसे में श्री राम के आशीर्वाद से इन राशि के जातकों को कुछ खास चीज़ें उपहार स्वरूप मिलने वाली हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से हैं भाग्यशाली राशियाँ। पहला, मेष राशि। इस राशि के जातकों के भाग्य में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि आपकी राशि पर पड़ चुकी है, ऐसे में आपके भाग्य का उदय होना निश्चित है। पिछले कुछ महीनों या सालों में आपके जो भी काम बार बार बिगड़ रहे थे या फिर अटके पड़े हुए थे, उनका पूरा होने का समय आ गया है। दूसरा, कर्क राशि। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से इस राशि के जातकों को धन लाभ होने के योग बन रहे हैं और इनकी किस्मत में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी वजह से इनको अपने आप धन की प्राप्ति होने लगेगी। ये धन आपको आपके किसी करीबी के कारण प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप अपने सभी करीबी लोगों से अच्छे से बनाकर रखें। उनकी वजह से ही आपको पैसों का फायदा होने के पूरे योग बन रहे हैं। तीसरा, कन्या राशि। इस राशि के लोग भी भगवान श्री राम की कृपा का आनंद ले पाएंगे। इन्हें भगवान राम से तोहफे में मान सम्मान मिलने जा रहा है। आने वाले समय में आपकी समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आप इन दिनों कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसकी वजह से हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, इसलिए आप भी इन दिनों कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मान सम्मान का फायदा आपको भविष्य तक मिलता ही रहेगा। चौथा, वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों की लाइफ में एक खास शख्स की एंट्री होने वाली है। ये शख्स आपकी लाइफ में कई सारी खुशियां लेकर आएगा। ऐसे में जब ये आपसे टकराए तो आप भगवान के इशारों को समझें और इससे दोस्ती कर लें। इसका फायदा आपको आने वाले समय में भी कई सालों तक मिलता रहेगा। पांचवा, मकर राशि। इस राशि के लोगों के कई बिगड़े हुए काम भगवान श्री राम की कृपा से पूरे हो जाएंगे, इसलिए अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही काम को शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।